हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। सो अभी मैं नीचे मंदिर के पास व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। डुगू बहुत देर से पीछे पड़ा था, मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की थी, तो अभी जा रही हूँ। जो कल मैं आप लोगों को दिखाई थी ना वीडियो में, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मेला लगा है कल्याण महोत्सव, तो वहाँ पे डुगू जिद करा चलो चलो करके, तो वहाँ जाऊँगी। फिर उसके बाद भागवत में अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर भी चली जाऊँगी। सभी बस ये आ रहे हैं नीचे, और अनन्या को क्लास छोड़ना है, तो अनन्या अभी आ रही है। अनन्या को रास्ते में क्लासेस, डांस क्लास छोड़ के फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। चलिए निकलते हैं, ये आगे हम लोग पहुंच गए। आंटी भी आ गई और खुशी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे। कुछ है कुछ नहीं, फिर एक एक करके अच्छा लगता, नहीं तो मैं उन लोग को भी लेके आती। तो सभी हम अंदर चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर। ये गए गाड़ी पार्क करने। सो यहाँ पे पर्स वगैरह सब मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज इतने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जो चीज़ मैंने देखी वो मैं रिकॉर्ड की। और ये देखो ना, एक मसाला मिल रहा था, मतलब कुछ भी वेजिटेबल को हम लोग सिर्फ वेजेस खाने के लिए ना, हम लोग ये मसाला लपेट के और खा सकते हैं। तो ये ट्राई करके दिखा रहे थे, बट मैं टेस्ट नहीं की, बिकॉज ना ऐसे थोड़ा सा मुझे नॉनवेज वाला मसाला और ये सब मिक्स लग रहा था ना, सो इसलिए मैं नहीं खाई। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो इसलिए मैं यहाँ से आगे चली गई, मसाला लिया नहीं मैंने। और उसके बाद मतलब कूपन्स वगैरह थे, जो भी लॉटरी वॉटरी के लिए वो सब था। और यहाँ पे मशीन मुझे अच्छी लगी, बट इसमें एक माइनस पॉइंट था ना, मैंने सोचा भी ले लूँ, ऑलमोस्ट मैंने प्राइस भी वो कर दिया था, बट ना ये बहुत छोटी थी, मतलब वन टाइम, मतलब अगर चकली बना रहे तो सिर्फ दो चकली बनेगी एक बार के ग्रेव उसमें मिक्स करने में, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बहुत छोटी थी बट बहुत अच्छा था लिटरली। अगर ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ होती ना तो मैं पक्का ले लेती। तो बस यही था, और उसके बाद आगे चलिए मेला आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अचार वगैरह सब ट्राई किया, अचार लिया था मैंने, तो उसके लिए खड़ा था आदमी आधा घंटा। करेला है वो, हाँ वो कटहल है। कौन सा टेस्ट करना है? ये करौंदा। मैग्नेटिक है? अरे ठीक है, इसे हम ना मैं दिक्कत है, ये ऐसा खाली बना नहीं। ओ ये इसीलिए आप आगे चले गए थे क्या? मम्मा 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 मेरे पेट से मम्मा टॉय नॉर्मल मम्मा टॉय आंटी टेस्ट कर ली, भाई बड़ी बात है। मम्मा टॉय मम्मा टॉय है ना ओली, कितने का? चिकन भी है, आओ नॉन वेज भी है, नॉन वेज भी है। फायर पान भी है, कैसा है? फायर पान 50 रुपए का है, बनारसी मीठा 20 रुपए का है, स्पेशल मीठा 30 रुपए का। फायर पान 50 का है। जलते नहीं है ना फायर पान से? फायर पान से जलने का मैं कभी टेस्ट नहीं की, इसीलिए नहीं। अभी मत बनाओ, अभी आती तब पहले घूम के। मसाला पापड़ थर्ड तीखा भी नहीं है, मतलब टेस्टलेस था, पैसा तो गया वो अलग, लेकिन अच्छा पानी पूरी खा लिया बना लिया तो बस। हाँ ना, पर पता नहीं ना वो टेस्ट वो यहाँ रखी की नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। ऐसे में बहुत सहकार सेना उल्लास नगर प्रणाली तरे माजी नगर सेविका अपना सर्वांच मनपूर्वक मनपूर्वक स्वागत। त्यासोबतच देवानंद गायकवाड माजी नगरसेवक आणि कल्याण महोत्सवचे आधारस्तंभ आपलं देखील पाणीपुरी खाल्ली मनपूर्वक स्वागत।
कोई टेस्ट ही नहीं था उसमें। सिद्धार्थ विद्यालय योजना पदक अपन तैयार रहा है अपने सादरीकरण कहाँ? नहीं नहीं, उसके बाद मैं पान की शॉप से आ गई क्योंकि ना मैं बोली बाद में खाऊंगी क्योंकि आने के बाद लास्ट में पान थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा, इसलिए मैं नहीं खाई। और यहाँ पे चल रहे मंदिर में बहुत अच्छा मंदिर का सेटअप था, बहुत अच्छा लग रहा था ना, रियल में मंदिर है, आप लोग देख ही लीजिए। तो हम लोग ने ना इसका टिकट लिया है ट्रेन का, ट्रेन बोलेंगे क्या बोलेंगे मालूम पता नहीं, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे यार ये राइड्स को। तो इसमें लिया हुआ है, वो भी मन तो नहीं था, इसमें जाने वाले हैं, बस झूले में वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बट अब सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी है तो कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ। अरे हम दोनों बैठे थे ना नीचे वाले पे, याद आया? याद नहीं है इनको? याद ही नहीं है जबकि हम मैं और ये बैठ चुके ऊपर वाले में, सबसे बड़ा था। चलो अब हमारा टर्न है, डॉक्टर जाओ, चलो अब आगे नहीं, सेकंड वाले पे बैठना, आगे वाले पे ना, आगे बैठो, आज लाइन से गए ना, चलिए चलते हैं, रुक जाओ बेटा लाइन से, लाइन से। सुमन आंटी खड़ी ये लो, और टिकट देना, दो टिकट दिए, एक टिकट और देना पहले। रुको रुको रुको, तुम अभी नहीं, तुम अभी नहीं स्पेस में, अरे भैया रिस्क नहीं है ना। सो अभी हम लोग बैठ गए, आंटी आंटी क्या हुआ, बैठे रहो, क्या हुआ? अरे इस पे बैठोगे ना तो गिर जाओगे बेटा। अच्छा तो मम्मा पास बैठोगे, आप वीडियो लेना ठीक है, मेरे को डर लगता है। स्टार्ट हो गया, आपको
होती है। बहुत ज़्यादा डर इसलिए लग रहा था ना, रिस्क नहीं था बट डर ये लगता कि मशीनरी चीज़ें कभी भी ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा वजन थी तो थोड़ा सा ऐसे स्लो हो रहा था, बस वो डर लग रहा था। मोमोज भी है, स्पेशल मीठा अच्छा है तुम्हारे को? नहीं स्पेशल मीठा नहीं चाहिए, कड़वा रहता है तो फिर जाने दो, कड़वा रहता है ना? नहीं देख रही ना पी, हाँ तीखा खट्टा कुछ भी टेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, पिज्जा को भी देख के डर लगा, हाँ तीखा भी नहीं था, बस नमक नमक था। क्या फायदा नमक लेते? मेले के नाम पे ना पैसा वही रखेंगे, क्वालिटी एकदम पुअर कर देंगे। हाँ चलो चले गए, पर मेला में आए वही अच्छा लगा, मूड चेंज हो गया, वरना कुछ ऐसे स्पेशल मज़ा नहीं आई, बहुत ज़्यादा अच्छा था ऐसा कुछ। फिर मेला घूम के उसके बाद हम लोग भागवत में आ गए, थोड़ा सा भागवत में लेट आए, 8:30 बजे आया था तो भागवत में आ गए, क्योंकि ये तो रोज़ रोज़ तो होगा नहीं, इसीलिए ज़रूरी था भागवत में आना। तो ये आंटी ले ली थी कि दो मुझे भी खिलाना है, बाबू को मम्मी की फ्रेंड है तो मम्मी तो गांव गई है लेकिन ये आंटी मतलब पहचानती, इसलिए ले लिया बाबू को। यह आनंद आज हमारी माताएं पा रही हैं, यही मेरे प्रभु धीरे धीरे कभी क्या करते हैं, कभी कुछ बर्तन या कुछ अन्न उसको लेकर के गिरा देते हैं। कभी मेरे प्रभु अब इतने सयाने होने लगे कि चले जाते थे तो कहीं कुछ सामान पड़ा रहता था तो अपने ऊपर डाल लेते थे। आज समय आया कि प्रभु जब कथा राम कई गोड़, कथा विषय बड़े प्रेम और भाव का है भैया, जब आप रहते हो आनंद में ना तो कथा का विषय जो है वो भक्ता है भैया। 2 मिनट बाद ये सब करो, सबको मिल जाएगा 2 मिनट का पानी। तो प्यारों वह समय हुआ कि आज मेरे कान्हा आगे आगे और मैया पीछे पीछे चली हैं, तो भगवान अब समझ गए कि मैया थक गई। मैया भागवत में अब आरती का समय हो गया, मैं पूरा तो भागवत नहीं सुना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, कल है हवन तो वहाँ हवन में भी जाना है और बस ये हवन उसके बाद तो हो ही जाएगा भंडारा और फिर भागवत कथा ख़त्म हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरे अच्छे लगे होंगे, जैसे भी लगे होंगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।